सिग्नम फंक्शन, अगले टाइप का फंक्शन जो होता है सिग्नम, सिग्नम को ऐसे लिखते हैं ना, एस जी एन है ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स इज डिफाइंड है ना, ऐसे करके डिफाइंड करते हैं। पॉजिटिव नंबर का सिग्नम जो है एक्स अगर पॉजिटिव हो तो आउटपुट जो है वन आता है, ठीक है ना सर। अगर आउटपुट इनपुट अगर जीरो तो आउटपुट क्या है, जीरो आता है, और अगर इनपुट अगर नेगेटिव है तो सिग्नम क्या आता है, माइनस वन, ठीक है सर। हाँ जी स्टार्ट करते हैं ना, इसका ग्राफ लिखो, ग्राफ क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू वन, हॉरिजॉन्टल लिखा है लाइन वाई इज इक्वल, गलती से मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पर माइनस वन आएगा, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू वन हॉरिजॉन्टल लाइन है, कब है, एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव कहां पाए जाते हैं, वाई एक्सिस के राइट साइड में, तो ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन वाई इज इक्वल टू वन, कहां पर, जब एक्स का वैल्यू जीरो से ज्यादा है। अच्छा एक्स का वैल्यू जीरो से कम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू माइनस वन लिख देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज इक्वल टू माइनस वन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज इक्वल टू वन, और क्या है, जब x का वैल्यू जीरो y का वैल्यू जीरो, तो जीरो जीरो क्या है, ग्राफ पर लाई कर रहा है, तो जीरो जीरो मार्क करने के लिए सॉलिड सर्कल ना। अच्छा एक फंडा होता है हॉलो सर्कल सॉलिड सर्कल है ना, सॉलिड सर्कल का मतलब क्या है, पॉइंट जो है ग्राफ पर है, ठीक है, और हॉलो सर्कल का मतलब होता है कि वो ग्राफ पर नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पर जो हॉलो सर्कल बना दें, ठीक है, यहां पर हॉलो आएगा, यहां पर हॉलो आएगा, ये हमने किस पॉइंट को एक्सक्लूड किया ग्राफ से, ठीक है ना, ये पॉइंट है एक्स का वैल्यू जीरो वाई का वैल्यू वन, और ये पॉइंट है एक्स का वैल्यू जीरो वाई का वैल्यू माइनस वन, ठीक है ना, ऐसा है। क्यों किया है, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, वही वाला ग्राफ जो है ना, इस फंक्शन ग्राफ ये आएगा, क्योंकि एक्स की जगह मान लो आपने जीरो रखा, ठीक है सर, तो क्या वाई इज इक्वल टू वन है, नहीं है, जब एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई वन नहीं है, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो है तो वाई का वैल्यू क्या है, जीरो है, एक्स जीरो है तो क्या वाई माइनस वन है, नहीं है, ठीक है। पर जैसे ही हल्का सा भी x अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना, ये क्या लिमिटिंग सिचुएशन भी शो कर रहा है कि y का वैल्यू, जैसे ही आपने x का वैल्यू जीरो से ज्यादा रखा, पट से क्या y का वैल्यू वन आ गया, जैसे ही आपने x का वैल्यू नेगेटिव रखा y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन आ गया, ठीक है सर। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन है आर, ठीक है ना, क्योंकि आपने ग्राफ माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी बनाया, भाई तीन ही टाइप के नंबर से नेगेटिव पॉजिटिव है जीरो, ठीक है, तीनों जो है इनपुट के रूप में दिए जा सकते हैं, तो डोमेन इज आर, ठीक है ना, फंक्शन का डोमेन जो है आर है, रेंज ऑफ फंक्शन आउटपुट के रूप में तीन ही नंबर जो है आउटपुट के रूप में आ सकते हैं, तो रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो है प्लस माइनस वन कॉमा जीरो, ठीक है सर। पॉजिटिव सिग्नम का आउटपुट वन, नेगेटिव सिग्नम का आउटपुट माइनस वन, और जीरो का आउटपुट जीरो,